गाइस, तो आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम फोड़ने वाले हैं वीआईपी को। गाइस, आप नॉर्मली गाइस इन वीआईपी को फोड़ते होंगे, तो इसकी बत्ती को इस प्रकार निकाला और आप आग लगाकर भाग जाते होंगे। गाइस, ये फूट जाता है। हम गाइस इसको फोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। जी हाँ गाइस, ये देखिए, ये हमारे पास पावर बैंक है गाइस। ये देखिए, ये डोरी है, इसकी मदद से गाइस हम वीआईपी को फोड़ेंगे, वो भी सेफ डिस्टेंस पर। गाइस देखिए, हमने पहले से ही इसको बम को तैयार कर लिया है। गाइस देखिए, इस पर ये फ्यूज लगा दिया है। अब हम इसको फोड़ेंगे इस पावर बैंक की मदद से। तो गाइस, और आपको बता दें, हमारी वीडियो में दिखाया जाने वाला कोई भी एक्सपेरिमेंट गाइस घर पर ना करें। आपको अगर आइडिया आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, हम उनको करेंगे और आपको बताएंगे वीडियो में। गाइस चलिए सेटअप करते हैं, और हम सेफ जगह है गाइस, इस पिलर के पीछे बैठकर फोड़ेंगे सुतली बम को। वैसे एक बार फिर कह देता हूँ कि आप ऐसा कुछ घर पर ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए, और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस चलिए सेटअप करते हैं। अगर गाइस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और भी न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो के लिए। गाइस देखिए, हमारा सेटअप रेडी हो रहा है। तो गाइस देखिए, हमने रख दिया सुतली बॉम्ब। तो गाइस चलिए, सेटअप हो चुका है। गाइस देखिए, वो रखा बॉम्ब, देखिए यहाँ से गाइस हम बॉम्ब को फोड़ेंगे इस पावर बैंक की मदद से। ये इसको खुल रखा है सिर्फ डिस्टेंस के साथ। चलिए गाइस, 3-2-1 करते हैं। 1-2-3। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हमारा बम वर्क किया। तो गाइस, इस तरीके से हम बम को किसी सेफ जगह पर सेफ डिस्टेंस के साथ फोड़ सकते हैं, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा गाइस। और देखिए, हमारे पावर बैंक से फोड़ा था गाइस, तो अच्छी तरीके से वर्क किया। तो गाइस देखिए, और इधर फोड़ा था बम गाइस, इसकी धूल उड़ चुकी है साफ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस आगे और धमाकेदार वीडियो आने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।